मैं बिलावल भुट्टो का नाम लूं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? आइंस्टाइन जैसे लगते हैं। आप कुछ नहीं। क्लीन शेप मतलब के। मुझे बहुत प्यारे लगते हो। क्यों वो आपके जैसे? वो क्यूट है, जिस तरह वो बोलते हैं अगले बंदे को हंसी आ जाती है। सीखा है का पता है? नहीं। ना वो लड़का होता है ना वो लड़की होती है। कुछ लोग तो उन्हें बहुत क्यूट कहते हैं। तो क्यूट है, जाहिर सी बात है लड़कियां क्यूट होती हैं। ना वो सियासत को कितना अच्छा कर सकते हैं। आलू जो है वो दर्जनों में कर देंगे और अंडे किलो के हिसाब से कर देंगे। कभी एस बोलते कभी ओस बोलते, माही मेरा तितलियां वर्गा। इतने बड़े हो गए अभी तक दसवीं में हो? देख लो ना। देखो ऐसे इतना भी ना देखे, ऐसे इतना भी ना देखे। सोशल मीडिया को कितना देखते हैं? बस आपको ही देखता हूं। बस आपको ही देखता हूं। इसके अलावा और कोई काम नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी प्यारी मेजबान निमरा अली फ्रॉम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आज मैं पाकिस्तान की आवाज आप सब तक पहुंचाने आई हूं। पाकिस्तान के क्या तासुरात हैं उन हमारी सियासत के बारे में, और जो आजकल कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, जो लोग मास्क लगा रहे हैं और जो लोग नहीं लगा रहे, उन सब के तासुरात लूंगी और आपको वॉइस ऑफ पाकिस्तान के थ्रू बताऊंगी। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से और चिट चैट का सिलसिला जारी करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाएं? मैं भी ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आप? मुजम्मिल। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में? आपकी हाइट तो मेरे से भी छोटी है। हाइट पे क्यों जा रही हैं? क्योंकि मुझे छोटे लड़कों को देख के वो फखर महसूस होता है। क्योंकि आप छोटी हैं। हाँ मैं छोटी हूँ, मेरी कजन वगैरह कहती तुम इतनी छोटी हो छोटी हो, फिर मैं अपने से भी छोटे किसी लड़के को देख लूँ तो मुझे और अच्छी और अच्छा लगता है। छोटा नहीं हूँ मैं, आपसे बड़ा हूँ। हाँ बस ठीक है, मुझे कैमरे में भी नजर आ रहा है। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या करते हैं? फोर्थ ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा मुझे ये बताइए सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी बहुत ज्यादा, टू मच। सबसे ज्यादा क्या देखते हैं सोशल मीडिया पे? मतलब के वो मूवीज वगैरह देखते हैं। न्यूज वगैरह देखते हैं? जी न्यूज वगैरह भी देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं अगर मैं बिलावल भुट्टो का नाम लूं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? बिलावल भुट्टो का तो जितने वो खूबसूरत है, आइंस्टाइन मतलब आइंस्टाइन जैसे लगते हैं। अच्छा अभी मैंने आपने खूबसूरती में उनको मुतादिफ किया ना, अगर मैं किसी लड़के से पूछती तो उसे मुझे उल्टा जवाब देना, वो तो खुसरा है, वो तो जनाना है, वो तो लड़की प्लस लड़का है। मुझे बहुत प्यारे लगते हो। वाकई? हाँ। अच्छे लगते हैं आपको? हाँ। क्यों वो आपके जैसे? वो क्यूट है। क्यूट है? क्यूट तो वो है जिस तरह वो बोलते हैं अगले बंदे को हंसी आ जाती है। आपने बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना है, ये नहीं कहना कि भाई मुझे बिलावल देखेगा तो क्या कहेगा, बिल्कुल जो आपके दिल में आया फटाफट आपने बोल देना। सीख आए? सीख आए का पता है? नहीं। ना वो लड़का होता है ना वो लड़की होती है। मुझे मेरे मतलब कि नहीं, वो अच्छा खासा लड़का है आइंस्टाइन, वो एक वो मतलब कि वो लड़का। आपको अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, क्लीन शेप मतलब के। आपको अच्छे लगते हैं? मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हैं, वो उनकी लड़ी में से तो वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन वो क्यूट हैं। वो क्यूट हैं यानी वो उनके लिए अगर एक लफ्ज बोला जाए तो वो क्यूट है। हाँ, चले बहुत बहुत शुक्रिया फिजा, आपने वो सियासत को कितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो आलू जो है वो दर्जनों में कर देंगे और अंडे किलो के हिसाब से कर देंगे। नहीं मैंने तो कहा है लायक, वो ज्यादा तब्दीली लाएंगे, आलू दर्जन में बिकेंगे अंडे किलो में बिकेंगे, अच्छी बात नहीं है। तो बिलावल भुट्टो का अगर मैं नाम लूँ तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? अच्छा है वो, लेकिन माइंड में ये आता है कि कभी ऐसे बोलते कभी ओस बोलते, माही मेरा तितलियां वर्गा। क्या करते हैं तुम? स्टडी। क्या स्टडी कर? 10th में। 10वीं में हो? इतने बड़े हो गए अभी तक 10वीं में हो? देख लो क्या देखूं, ऐसे इतना भी ना देखे, ऐसे इतना भी ना देखे। अच्छा मुझे ये बताएं सोशल मीडिया को कितना देखते हैं? बस आपको ही देखता हूं। बस आपको ही देखता हूं। इसके अलावा और कोई काम नहीं है? मेरे अल्फाज में अगर उसको कहा जाए तो? उसको ट्रांसजेंडर कहेंगे। खुसरा? खुसरा, ये क्लियर बोल दिया आपने तो ये वो आपको कहां से खुसरा लगता है? नहीं मुझे उनकी बातों से, वो अंदर से वो लड़की है लेकिन शक्ल उनके लड़कों वाली है। बात सुनो, वो जो है वो बाहर से आए हुए हैं ना, तो बाहर हमेशा उन्होंने इंग्लिश बोली है, अब पाकिस्तान में आकर उनको सडन उर्दू बोलने का कह देंगे तो फिर बोलेंगे ना। इस तरह तो कोई भी नहीं बोलता इंग्लिश। तो बिलावल भुट्टो का अगर नाम लूं तो दिमाग में जो पहली चीज आती है वो क्या है? वो तो बस जिना नहीं लगता है। नहीं, लड़कियां अगर लड़कियों को कहे ना तो वो कहेंगे वो तो बहुत क्यूट है, तो कुछ लोग तो उन्हें बहुत क्यूट कहते हैं। तो क्यूट है, जाहिर सी बात है लड़कियां क्यूट होती हैं। क्यूट का लड़के भी होते हैं? नहीं, लड़के क्यूट कम होते हैं, वो उनमें ज्यादा लड़कियों वाले अंदाज। अगर बाहर से आए हैं तो इंग्लिश तो बंदा बिना इंग्लिश में बात कर ले, तो फिर हम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी, या फिर उर्दू सीखे या तरीके से बोले, आधी उर्दू आधी इंग्लिश, लफ्ज उन्हें बोलने नहीं आते, वो अब मैं
अच्छा चलो ठीक है, आपने अपने अल्फाज में बता दिया। उसके बाद चाल चलन, उसका बोलना, इसका मतलब तुमने उसको अगर एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना हो तो तुम उसको जनाना कह दो। आजकल लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल मीडिया में इतना फैला हुआ है कि कोरोना वायरस है, लेकिन लोग उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना वायरस की बहुत सी एहतियाती तदाबीर होती हैं, सिर्फ मास्क पे नहीं है, आप ग्लव्स वगैरह पहने, हैंड सैनिटाइजर करें और भी नीम गर्म पानी पिए, बहुत सी तदाबीर। वो तो बस खत्म हो गया, फिर तो आप बताएं, मतलब ये मास्क वगैरह मैं आवाम को ये प्रेफर करूंगा कि आपने क्यों नहीं पहना? आवाम को प्रेफर करते हो जो करना है, खुद ना कुछ करना नहीं, खुद मतलब कि लोग अक्सर वही लोगों को बताते हैं जो खुद नहीं करते, तो आपको भी करना चाहिए। नहीं मैं अभी पहन लूंगा, अभी मतलब कि ना मास्क पहनेंगे। तो थैंक यू सो मच, क्या नाम था आपका? नाम अहमद यासीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखे दोनों और स्टडी पे फोकस करें। अरे यार करता हूं जी, चले बहुत अच्छी बात, मैं भी करता हूं, चले अल्लाह हाफिज़। अब मुझे ये बताएं, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, आपने तो खैर लगाया है, वो भी ना मालूम फ्रॉड टाइप मास्क लगाया है आपने, उसको नीचे किया है, तो जो आजकल मास्क नहीं लगाते उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? यार पता है एक चीज़ होती है, ये ना हमारी सोसाइटी जो है ना ये पूरी एक जैसी है, ठीक है। हम लोग ना जब कोरोना नया नया आया था ना, हम बड़ा डरते थे, हम लोगों ने मास्क लगाई है किया, अब ना ऐसे हम लोगों की जैसे हमारा कोरोना के साथ ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, वो हमें छोड़ के जाना नहीं चाह रहा, हम उसे भेजना नहीं चाह रहे, इसलिए हम मास्क नहीं लगाते। अब जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए एक छोटा सा मैसेज मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हुदारा मास्क लगाएं, आपकी वजह से पहले लॉकडाउन हो गया 6 बजे तक, इसके बाद 3 बजे तक हो जाएगा, फिर खुलेगा ही नहीं और फिर दुनिया खत्म, फिर हम गए खत्म, अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बस बंद करके घर में बैठे रहो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह क्यूट हैं, बिल्कुल उसी की तरह जिसका आपने कहा है। जो आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और मास्क कुछ लोग लगा रहे हैं कुछ लोग नहीं लगा रहे, उसके बारे में कोई मैसेज? मास्क का ये है कि एक फ्लू आम रूटीन में भी जो होता है ना, तो हम कहते हैं एक दूसरे से परहेज करो, एक एक ग्लास में दूसरा ग्लास में पानी ना पिए, ये तो सच है, ठीक है, लेकिन ये जो इतना हाईलाइट कर दिया है ना, ये बस अल्लाह से, अल्लाह को जान, मास्क को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अगर आप नेल पेंट लगा रहे हैं तो नेल पेंट छोड़ के पहले आपको मास्क लगाना है। मास्क लगाना जरूरी है, तो फिर बाकी चीजें भी जरूरी हैं, जैसे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जरूरी है ना, इसी तरह साफ पानी दिलाना भी जरूरी है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें करती हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ये बताएं, जो कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, लोग मास्क लगा रहे हैं कुछ लोग नहीं लगा रहे, उसके बारे में क्या रिव्यू है? लगाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल करें, दूसरों की सेहत, कैमरे में देख के बताओ ना, ये लगाएं अपनी सेहत का भी ख्याल करें। तो आपने क्यों नहीं अपनी, आपकी तो वैसे सेहत नहीं है, आपने क्यों नहीं लगाया? तो मुझे ना जरा ऑक्सीजन लगाता हूँ, मैं भी आपसे इंटरव्यू करना था ना, इसलिए मैंने कहा जरा सामने देखो, मेरे से इंटरव्यू करना था, मेरे फैन हो आपका? फैन ही हूँ। फैन नहीं हो? फैन अभी तो फैन हो आगे, ठीक है, थैंक यू सो मच तैमूर, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इमरान खान को माइंड में रखते हुए आपके दिमाग में जो पहला लफ्ज आता है वो क्या है? बहुत खराब लफ्ज है, बोल दो। बोल दे, मैं भी बोल देती हूँ, मेरे से कोई बोले तो मैं तो कहूँगी चोर, ठीक है, मेरे दिमाग में ये लफ्ज आएगा, आपके माइंड में क्या है? मेरे अगर मेरे दिमाग में आते ना तो वो शायद सीट के लिए ना बहुत इमेच्योर है, जो हमारी एक उनको जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है ना उसके लिए वो बहुत इमेच्योर है, उनको अभी नहीं आना चाहिए था, बिकॉज देखो वो एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर से सीधा एक प्राइम मिनिस्टर बन गया ना। बात क्रिकेटर की नहीं है, बात ये है जब आप जब हम लोग किसी जगह के लिए सोच रहे होते हैं ना, यार हम अपनी कंट्री के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब हमें सिचुएशन का नहीं पता होता और जब हम वहाँ पर बैठते हैं ना तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो आई थिंक उनको वो चीज़ करनी नहीं आई जो वो करना चाहते थे, क्योंकि वो इमेच्योर थे सीट के लिए, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं थी जितना वो उन्हें लगता था कि ये सब आसान है कंट्री को चलाना। जो आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आपने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं टीवी पर आ रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरे पास है, मैं लगा लेता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके बारे में कोई एक ऑनेस्ट रिव्यू? मास्क लगा के रखो, आप भी लगाया करो, सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए अच्छा है मास्क? सेहत के लिए कब से अच्छा होना लग गया? लगाओगे तो आपको वायरस नहीं लगेगा। वायरस तो मेरे ख्याल से तो वायरस है भी नहीं। नहीं है? आपके वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वायरस। प्राइम मिनिस्टर को तो मैं कहीं भी नहीं लिखती, आप छोड़ दें, मैं भी नहीं लिखता, मैं तो बाबा जी का फैन हूँ। बाबा जी कौन है? ताजदारे खत्मे नबूवत। बेशक उनके तो सबको फैन होना चाहिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, अरमान नाम था ना आपका? अपना बहुत सारी मानी सुलहरी लिंक रोड जिससे मर्जी पूछ लेना, ठीक है, मानी सुलहरी लिंक रोड जिससे मर्जी पूछ ले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो जैसा कि आप सबने देखा, हम लोगों ने अमाना मॉल के सामने जितना भी क्राउड था उन सबसे बात की, 6 बजे के बाद बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाता है क्योंकि कोरोना वायरस का इतना खतरा फैल चुका है कि लोग अब घर से बाहर निकलना तो क्या
खिड़की से बाहर भी झांकना पसंद नहीं करते कि कहीं किसी के हाथ पांव लगने से हमें भी कोरोना ना आ जाए। और जो मेरा सवाल था कि बिलावल भुट्टो को अगर आप जहन में रखें तो पहला लफ्ज क्या आता है, अगर मैं ये सवाल लड़कियों से करती हूँ तो वो कहती हैं कि भाई वो बहुत क्यूट है, अगर वो मुझे प्रपोज करे तो मैं तो उसे शादी कर लूँ। और लड़कों का कहना ये है कि वो खुसरा है, वो जनाना है, वो ट्रांसजेंडर है। अजीब अजीब से लड़कों ने सवाल किए, लेकिन मेरा कहना यही है कि वो जैसे भी हैं अच्छे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको सियासत में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनसे संभाली नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी लोगों की आवाज़ जो कि मैंने वॉइस ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आप तक पहुंचाई। तो अपनी मेज़बान निम्रा अली को दे इजाज़त, इसी तरह एक मजीद शो के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।